प्रदेश जनपद फिरोजाबाद पार्षद प्रतिनिधि आदिल शाह ने जीत हासिल करे एक वर्ष हो चुका है, लेकिन जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 62 के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति नहीं होने की समस्या बनी हुई है, तो किसी में सफाई कर्मी की ड्यूटी पर ही नहीं आ रहे हैं। लोग स्वयं गलियों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बिजली के खंभे नहीं होने के कारण बनी हुई है। लोगों ने बांस के सहारे बिजली के तार लगाए हुए हैं। तेज हवा चलने के दौरान ये बांस नीचे गिर जाते हैं, जिसके चलते हादसा होने का डर बना रहता है। अब देखना यह है कि पार्षद वार्ड नंबर 62 की जनता की समस्या का कितना समाधान करते हैं, या फिर ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ दिया जाएगा। यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। के पार्षद कौन है? आदिल। आदिल। अच्छा, क्या पूरा मामला है? ये भैया 15-16 साल से रह रहा हूँ जी, और इसमें गलियाँ नहीं बन रही हैं। जल भराव है, पानी भरा रहता है, कीचड़ हो जाती है बहुत, साइकिल से मोटरसाइकिल से रपट जाते हैं, गिर जाते हैं। इसकी शिकायत आपने पार्षद जी से कही? निरी बार कही। क्या आश्वासन दिया पार्षद जी ने? क्या आश्वासन दिया आपको? बन जाएगी, बनवाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कितने समय हो गया आपको कहे हुए इस बात को? अभी कई बार हुई है। अच्छा, हर महीने जाते हैं बस। अच्छा, महीने हो गए। उसके अलावा नगर निगम में आपने नगर आयुक्त साहब से शिकायत की इसकी? हाँ, कई दफे गए, ट्रैक्टर भर के ले गए सब्बीर बाबा हम लोग कई दफे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कही हाँ कोशिश हो रही है, टेंडर पास होगा, टेंडर अभी तो टेंडर। फिरोजाबाद में पहली बार वैष्णवी हेल्थ क्लिनिक। यहाँ पर डायबिटीज, थायराइड, जोड़ों का दर्द, खास खुजली, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, सीने में दर्द, सीओपीडी, पेट की बीमारी आदि का इलाज किया जाता है। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।